आप सबको जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रभु की प्रार्थना में लगे होंगे, वचन में अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। इस वक्त जो हमारे सत्संग की सत्संग जब शुरू होता है, तो आइए हम सब लोग अपनी आँखों को सबसे पहले बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ एक गीत को गाएंगे हम लोग, सेनाओं के यहोवा। स्तुति प्रशंसा करते हैं तेरी हम आराधना, हम आराधना। ओ मेरे खुदा, स्तुति प्रशंसा करते हैं तेरी हम आराधना, हम आराधना। सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा। तेरी हैं बड़ी महान, सामर्थ से भरे अद्भुत तेरे काम, अद्भुत तेरे काम। तेरी युक्तियाँ हैं बड़ी महान, सामर्थ से भरे अद्भुत तेरे काम, अद्भुत तेरे काम। सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा। हम प्रजा राजा हमारा, तेरा डर हमारे दिलों में भरा, दिलों में भरा। हम प्रजा तेरी, तू राजा हमारा, तेरा डर हमारे दिलों में भरा, दिलों में भरा। हमारे सेनाओं के यहोवा, हे पिता परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी राजा, इस वक्त पिता परमेश्वर हमारी पूरी कलिसिया, हम अलग अलग जगहों पर हैं पिता प्रभु जी, लेकिन हम एक मन से परमेश्वर आपके करीब आते हैं, आपके समीप आते हैं पिता प्रभु जी। अपना खुदावन परमेश्वर, अपना सारा मन, अपना अपनी आत्मा यीशु मसीह आपकी ओर लगाते हैं। आप सर्वज्ञानी पिता हैं, आप सर्वव्यापी पिता हैं, आप हमारी आराधना के योग्य पिता परमेश्वर हैं। खुदावन राजा, अभी जब हम एक आराधना के समय में और आते हैं पिता परमेश्वर, अभी से इस आराधना के समय में आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं खुदावंद राजा। आपके आपके आपका हम स्वागत करते हैं पिता प्रभु जी। परमेश्वर, हम इस योग्य तो नहीं खुदावंद राजा कि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें प्रभु, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम लोग दिल से बुलाएंगे यीशु मसीह, सेनाओं के यहोवा प्रभु, तो आप हमारे इस आराधना के समय में उपस्थित होंगे पिता परमेश्वर। इस वक्त बहुत से लोग अपने घरों में यीशु
मसीह अपने ध्यान को अपने मन को आपकी ओर लगाए बैठे हैं। पिता प्रभु जी, हम खुदावन परमेश्वर आपके समीप रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं प्रभु जी। आने वाले इस आराधना को, आने वाले समय को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आज के इस पूरे सत्संग के समय में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं, आप हमारे साथ होंगे परमेश्वर, ये हम आशा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी हम यहाँ पर। यीशु मसीह, इस वक्त खुदावन राजा आने वाली आराधना को समय आराधना के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम लोग एक गीत को गाएंगे और उस गीत को गाने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे और ये है भजन संगीता 92, भजन संगीता 92 उसका एक पद से चार पद तक हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है और यह भी कि हे परम प्रधान, तेरे नाम की स्तुति के गीत गाए जाएं, कि प्रातःकाल तेरी करुणा की और रात्रि को तेरी सच्चाई की चर्चा तार दस तार वाले बाजे सारंगी और वीणा पर ऊंचे स्वर से की जाए, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने कार्यों से मुझे आनंदित किया है, मैं तेरे हाथों के कार्यों के कारण आनंद से तेरा भजन गाऊंगा, आमीन। हमारे पास परमेश्वर की स्तुति करने और आराधना करने के अनगिनत कारण हैं और भजन संगीता जो अभी हमने पढ़ा है वो भी यही कहता है कि आइए हम सब लोग अपने जुबानों को खोलकर, अपने मनों को लगाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जाएं। और हम लोग गीत गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मद सराए, रब की होवे मद सराए, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताईश, रब के घर में होवे सिताईश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तार तार सांसों पे रागनी छेड़ो, तार तार सांसों पे रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, आमीन।
हमारी सारी स्तुति आराधना प्रशंसा के काबिल सिर्फ यीशु मसीह है। इस संसार में कहीं पर भी यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है जो कि सारी स्तुति आराधना के काबिल हो। तो परमेश्वर का एक वचन कहता है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आइए अगला गीत जो हम गाएंगे वो उस गीत में हम लोग अपनी आत्मा से अपनी सच्चाई से जो हम परमेश्वर को कहना चाहते हैं, जो हम शायद किसी के सामने नहीं कह सकते, अपने परमेश्वर के सामने अपने दिलों की बातों को खोलें और आनंद के साथ ये गीतों को गाएं। हे धर्मियों तुम आनंद से प्रभु की जय गाओ, करे लोगों को भाता है ये प्रभु की जय गाओ, वीणा बजा के स्तुति करो सब धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी ले जय गाओ, प्रभु की जय प्रभु की जय, एक नए गीत से प्रभु की जय प्रभु की जय प्रभु की जय, इसराइल की यहोवा की जय, यहोवा का वचन है खरा सच्चाई से वो भरा, धार्मिकता से वो प्रीति करे वो करुणा से है भरा, आकाश धरती है उसके रचे सब उसकी श्वासे ही है, जंगल पहाड़ है उसके रचे सब उसकी महिमा करे, प्रभु की जय प्रभु की जय, एक नए गीत से प्रभु की जय प्रभु की जय प्रभु की जय, इसराइल की यहोवा की जय प्रभु की जय प्रभु की जय, एक नए गीत से प्रभु की जय प्रभु की जय प्रभु की जय, इसराइल की यहोवा की जय। हाँ पिता परमेश्वर, हे सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं खुदावंत राजा, हम अपने दिलों को अपने मनों को खोलते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मुसीबत में पिता परमेश्वर आप हमारे बुलाने से पहले हमारे सामने रहते हैं, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए हमारे पास खड़े रहते हैं प्रभु। हम आपको भूल जाते हैं लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते प्रभु। आपका जितना जय जयकार करें, आपकी जितनी स्तुति करें उतना कम है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आप हमारी स्तुति आराधना के योग्य हैं पिता प्रभु जी। इस संसार में परमेश्वर हम खो जाते हैं प्रभु, लेकिन आप हमें अपनी बेटी हमें बेटा कहकर बुलाते हैं प्रभु जी। हम आपका जय जयकार करते हैं प्रभु। सारी आराधना महिमा के योग्य यहोवा परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे दोस्त परमेश्वर, हमारे सब कुछ परमेश्वर आप हैं खुदावन राजा। इस मुसीबत के समय पे भी पिता परमेश्वर आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमारे दिलों को आशा से भर देते, हमारी आत्माओं को शांति से भर देते हैं प्रभु जी। आपका जय जयकार हो खुदावंद राजा। इस वक्त हम एक इस आराधना के आखिरी गीत को गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके और एक साथ इस गीत में जाएं और दिल से प्रभु को पुकारें और परमेश्वर की स्तुति करें। तेरी स्तुति और आराधना,
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाले खाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हाले तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हाले हमारे राजा पिता परमेश्वर, परमेश्वर जब हम गिरते हैं खुदावंद राजा, परमेश्वर इस संसार में हमें कोई उठाए ना उठाए, आप हमें उठाते हैं यहोवा राजा। पिता परमेश्वर इस वक्त हम एक जगह पर नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा परमेश्वर, हमारी पूरी कलीसिया जितने भी लोग इस आराधना स्तुति को देख रहे हैं पिता, वहाँ अपना काम करिए परमेश्वर, आप जो चाहते हैं जो भी आप चाहे वो वहाँ करिए, जैसा आप चाहते हैं खुदा परमेश्वर। हमारी पूरी कलीसिया, हम सब लोग घुटनों पर आकर आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवनों में आप वो करिए जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, हमारे घरों में आप वो करिए जैसा आप चाहते हैं प्रभु, हमारे परिवारों में आप वो करिए जो आप चाहते हैं प्रभु, हमारी कलीसिया में वो करिए जो आप चाहते हैं मेरे अनुग्रहकारी राजा पिता परमेश्वर। खुदावंद राजा आप सर्वोपरि, आपसे ऊंचा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं सारी स्तुति आराधना महिमा परमेश्वर सिर्फ हम आपको चढ़ाते हैं खुदावंद राजा परमेश्वर। इस समय में खुदावंद राजा हमारी सबकी दुआओं को प्रार्थनाओं को आप सुनिए यहोवा परमेश्वर, इस आराधना के समय को खुदावंद परमेश्वर फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सत्संग के सारे प्रिय भाई बहनों बच्चों और सबको जय मसीह की। कुछ सूचनाओं को सुने, साधारण सूचनाएं हैं लेकिन महत्वपूर्ण है कि हमारी बुधवार की प्रार्थना शाम को 7 बजे जूम के जरिए होती है, सब लोग उसमें भाग लीजिए। जूम की प्रार्थना, बुधवार की प्रार्थना जूम के जरिए शाम को 7 बजे होती है। और हमारी शुक्रवार की बाइबल स्टडी जिसमें हम इन दिनों में याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, वो फ्राइडे को शुक्रवार को शाम को 7 बजे केवल 45 मिनट के लिए होती है, आप सब उसमें भाग लीजिए। फ्राइडे की बाइबल स्टडी, शुक्रवार की बाइबल स्टडी, परमेश्वर के वचन का अध्ययन, ये हम बुधवार फ्राइडे को शुक्रवार के दिन शाम को 7 बजे होता है, उसके अंदर भी भाग लीजिए। और अंत में
जो आपके दान दशमांश चढ़ावा है, भेंट है, वो अपने घर में रखें और एक डब्बे में डालते रहें या एक एनवेलप में डालते रहें, और जब भी हम मिलेंगे आप एक साथ उसको प्रभु के भवन में डाल सकते हैं, और या फिर आप बैंक में डाल सकते हैं, उसकी सूचना हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो आप अपना जो दशमांश है, जो भेंट है, जो भी आप प्रभु को देना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, वो आप बैंक में डाल सकते हैं, और उसके द्वारा भी आप प्रभु के राज्य में आप दे सकते हैं। यही सूचनाएं हैं, और अपने आप को अब तैयार कर लीजिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का सुंदर वचन लेकर एक बार फिर परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम सब उसके जीवित वचन में से हम देख सकें, और आप सब जानते हैं कि हम मरकुस रचित सुसमाचार में से अपने अध्ययन को देख रहे हैं, और अपने जीवन, अपने विश्वास, अपना मसीही चाल चलन और यीशु मसीह कौन है, इन बातों को लेकर के हम इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और क्यों ना हम दुआ करें और प्रार्थना करने के बाद हम आज का वचन देखेंगे। हे प्रभु, आपके वचन का प्रकाशन इस समय बड़ी सामर्थ्य के साथ बोला जाए, सुना जाए, ग्रहण किया जाए और फल लेने वाला होने पाए। परमेश्वर, हम आपकी दया चाहते हैं। परमेश्वर, हम आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज की जो कहानी है, जो सच्ची कहानी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में से जो हम देखते हैं, इस कहानी के बारे में हमने बहुत बार सुना है, और लेकिन इस कहानी के अंदर से बहुत सारे गहरे शिक्षाओं को हम पा सकते हैं। ये बाइबल का एक ऐसी कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़े बड़े शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में लागू होती हैं, और जिसमें हम अपने जीवन को जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर कैसा है और कितना है, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर कितना है। और इन बातों को लेकर के हम आज का वचन देखेंगे। बड़े ध्यान से आप इस कहानी को सुने, जो कि एक सच्ची कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुई। आज का वचन मरकुस 4 उसके 4 अध्याय 35 वचन से हम देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर वचन लिखा हुआ आएगा, आप सब बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। लिखा है, उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चलें। और भीड़ को छोड़कर उन्होंने जैसा वह था उसके साथ नाव में ले लिया, और वहां उसके साथ और भी नावें थीं। तब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहां तक कि पानी नाव में भरने लगा, और वह स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और उन्होंने उसे जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब जगाए जाने पर उसने आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? यह कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? और वे अत्यंत भयभीत हो गए और आपस में कहने लगे, आखिर यह कौन है कि आंधी और लहरें भी इसकी आज्ञा मानती हैं। बहुत रोचक कहानी है, बहुत एक ऐसी कहानी जिसमें हम अपने आप को इस कहानी से जोड़कर देख सकते हैं। इस कहानी में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक नाव में थे, बहुत भयंकर तूफान आया, बहुत भयंकर आंधी आई और नाव के अंदर पानी भरने लगा और वो डूबने लगे। जो नाव के अंदर जो लोग थे, जो चेले थे, वो डरने लगे और यीशु मसीह को हिला करके कहने लगे, प्रभु तुझे चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नाव में उस समय सो रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उस आंधी को, उस तूफान को डांटते हैं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, और चेले भयभीत हो गए। मैं चाहूंगा कि हम इस, आप सब अपनी बाइबल को अपने हाथों में खोल के रखें, क्योंकि मैं एक एक पद करके इसमें से हमारे जीवन के लिए हम शिक्षाओं को हम ग्रहण करेंगे। तो आपकी बाइबल आपके हाथों में खुली होनी चाहिए। मरकुस 4 अध्याय 35 वचन पे आइए, हम 35 वचन दोबारा से देखें। इसमें लिखा है, उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चलें। यहां पर यीशु मसीह है और यीशु मसीह के चेले हैं, और यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, आओ हम उस पार चलें।
सबसे पहली बात, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, मेरे साथ आओ, जहां मैं जा रहा हूं मेरे साथ वहां पे चलो। इसके पहले ही पद में हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मेरे पीछे चलो। लेकिन जो बात मैं यहां पे आपसे उठाना चाहता हूं, यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे साथ चलो। तो यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर के अपने साथ कहां पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? यीशु मसीह अगले नगर में किसी और जगह पे झील के उस पार जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह झील के उस पार जो लोग हैं उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ वो सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के लिए जा रहे हैं और अपने चेलों से कहते हैं मेरे साथ चलो, सेवकाई करेंगे। आज आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे साथ चलो, और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। पर हम क्यों यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? क्या केवल उद्धार पाने के लिए और प्रभु की आशीषें पाने के लिए हम प्रभु के पीछे चलते हैं? क्या केवल प्रभु की आशीषें पाने के लिए हम प्रभु का अनुसरण करते हैं? यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ चलो झील के उस पार। क्यों चलो झील के उस पार? क्या है झील के उस प्रकार? ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, जिनको प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देखना है। ध्यान से सुनिए जो बात मैं आपको सिखाने वाला हूं, सिखा रहा हूं इस पद में से। प्रभु यीशु मसीह हमें चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनका अनुसरण करें, ताकि हम भी उनके प्रकार, जैसे वो लोगों से प्रेम करते हैं हम भी लोगों से प्रेम करें, जैसे वो लोगों की सेवा करने के लिए झील के उस पार जा रहे हैं, वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए व्यतीत करें। क्या ऐसा है? क्या आप दूसरों की सेवा करने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, या केवल आपकी फायदे के लिए, आपकी आशीषों के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? यदि आप देखेंगे यीशु मसीह कहां लेके जा रहे हैं, तो पांचवा अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, वे झील के दूसरी ओर गिरासेनियों के देश में पहुंचा, और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला, और हम जानते हैं यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। इस बात को, ये गहरी बात है मेरे मित्रों, इस बात को समझिए। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलो, झील के उस पार चलते हैं। झील के उस पार क्या है? झील के उस पार भटके हुए लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। यीशु आज आपसे कहता है मेरे पीछे चलो, क्योंकि यीशु आपको दूसरों को आशीषित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पर हमारा फोकस, हमारा ध्यान केवल हमारे अपने परिवार और अपनी जरूरतों के पीछे लगा हुआ है। क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह लोग दुनिया, प्रभु यीशु मसीह दुनिया के जाति जाति के लोगों की चिंता करता है। मैं इस वचन को पढ़ूंगा, मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने, मरकुस 1 का 38, मरकुस 1 और उसका 38 वचन में क्या लिखा हुआ है। ऐसे लिखा है, आपकी स्क्रीन पे आएगा, लिखा है, उसने उनसे कहा, अब हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। प्रभु ने कहा मैं आसपास के नगरों में, आसपास की बस्तियों में मैं जाना चाहता हूं, चलो हम वहां चलें, क्योंकि मुझे वहां प्रचार करना है, तुम चलो मेरे साथ। यीशु नाम सत्संग के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं तो केवल उद्धार और आशीष पाने से बढ़कर भी आपका जीवन है। प्रभु आपको दूसरों की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन और आपके शब्दों और आप जो कुछ प्रभु ने आपको वरदान दिए हैं उसका इस्तेमाल वो करना चाहता है, ताकि आपके द्वारा दूसरों तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचे। क्या आप इसके लिए गंभीर हैं? क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? क्या आप इसके लिए समर्पित हैं? पहले ही पद में हम बहुत बड़ी शिक्षा को हम देखते हैं। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलो, क्योंकि हमें लोगों की सेवा करनी है, चलो मेरे साथ। क्या आप दूसरों की सेवा करने के लिए प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं? 36 वचन में उन लोगों की असलियत सामने आई, जो कि हमारी भी असलियत है, और भीड़ को छोड़कर उन्होंने जैसा वो था अपने साथ नाव में ले लिया, और उसके साथ बहुत सी नावें थीं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह नाव के अंदर झील में चल पड़े, उनके साथ प्रभु के चेले भी थे। मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन है अन्य मसीहियों के साथ और प्रभु के साथ इस जीवन के सफर को तय करना, यही यहां पे हो रहा है। हमारा जीवन क्या है? हमारा मसीही जीवन एक यात्रा है, हमारा जीवन एक यात्रा है, मसीही जीवन एक यात्रा है जिसमें मसीह हमारे साथ है और मसीह के लोग हमारे साथ हैं। जैसा कि इस पद में भी हम देखते हैं कि वो झील पे चल पड़े,
झील में चल पड़े, नाव में निकल पड़े। यीशु उनके साथ है और चेले सब लोग वहां पे एक साथ हैं। अगले पद में क्या हुआ? तब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहां तक कि पानी नाव में भरने लगा। अरे यीशु मसीह हमारे साथ है तो भी हमारी नाव में पानी भरने लगा? यीशु मसीह तो वही है, चेले सोच रहे होंगे जिसके साथ हमने इतने दिनों से इसके साथ हम चल फिर रहे हैं, ये तो बहुतों को चमत्कार कर रहा है, ये तो दूसरों के लंगड़ों को ठीक कर रहा है, रोगियों को पूरी पूरी चंगाई दे रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, बहरे लोग सुनने लगे। हम तो एक शक्तिशाली यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे, ये क्या हुआ? अब हम जब यीशु मसीह के साथ चलने लगे तो हमारी नाव तो डूबने लगी। और ऐसा हमारे जीवन में अक्सर होता है। चेले लोग, प्रभु के लोग नाव के अंदर बैठे हैं, यीशु मसीह साथ में है, सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा क्योंकि यीशु अपने साथ है। लेकिन एकदम से हैरान हो गए क्योंकि यीशु मसीह सो रहे थे पीछे। नाव में थे यीशु मसीह लेकिन वो सो रहे थे, और चेले लोग एकदम से घबराने लगे। यीशु मसीह उनके साथ है तो भी उनको तूफानों का सामना करना पड़ा। हमारा जो आज का पहला शिक्षा जो पॉइंट है वो यही है कि इस जीवन के तूफान इस जिंदगी की एक दुखद सच्चाई है। जीवन के तूफान, जिंदगी के तूफान इस जीवन की एक दुखद सच्चाई है। मसीही लोगों के जीवन में भी बहुत बार तूफान आते हैं, और जिंदगी सबके लिए तूफान लेकर के आती है, क्योंकि हम एक टूटी हुई दुनिया में रहते हैं, हम एक बिखरी हुई दुनिया में रहते हैं, हम एक पाप से भरी हुई दुनिया में रहते हैं, हम एक श्रापित जमीन पर रहते हैं, श्रापित दुनिया में रहते हैं। ये श्राप परमेश्वर ने नहीं दिया, ये श्राप हमारे अपने कर्मों से हम लेकर आए, अपने पाप के कारण हमने धरती को श्रापित कर दिया। और जब ये धरती अब पाप से भरी हुई है, सब कुछ यहाँ पे उल्टा पुल्टा है, इसलिए जिंदगी, जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आएगा तब तक इस जिंदगी में ऐसे बहुत से काम होंगे जो मनुष्य के पाप का परिणाम है। मसीही जीवन के अंदर भी तूफानों का आना तय है, मसीही जीवन के अंदर भी बड़े बड़े मुश्किलों का सामना करना, ये होना ये तय है। जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो इस जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन जो तूफान है वो कैसा है? यहां पर तूफान कैसा था? लिखा है तब एक भयानक आंधी आई। केवल आंधी आई नहीं लिखा, लिखा है भयानक आंधी आई। मसीही जीवन में कभी कभी छोटी छोटी नहीं लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़े बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बड़े बड़े आंधी हमारी जिंदगी में कभी कभी आते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। 38 वचन में लिखा है, और वह स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, और उन्होंने उसको जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान से सुनिए। चेले और प्रभु यीशु मसीह नाव में हैं। ये जो चेले हैं वो अकेले नहीं है, यीशु मसीह उनके साथ है। ये वही यीशु है जो चमत्कार कर रहा था, ये वही यीशु है जो अद्भुत चमत्कार करता हुआ आया इनके साथ, और अब इनके इनके समस्या के साथ वो है, इनकी समस्या में प्रभु यीशु मसीह इनके साथ है। और तो भी ये चेले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने में चूक जाते हैं। और ये आपकी और मेरी सच्चाई भी है, हमारे तूफानों में प्रभु हमारे साथ है लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह वहीं पर है पहचानने से इनकार कर देते हैं। हम हमारे जिंदगी के तूफानों में परमेश्वर की उपस्थिति को हम शक करते हैं, उसकी भलाई पर हम शक करते हैं। और ये मसीही जीवन की एक बहुत कड़वी, बहुत दुख की बात है। जब प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम देखते हैं वचन में लिखा हुआ कि जब वो वापस आएगा तब क्या वो हमारे अंदर विश्वास पाएगा? अगर प्रभु को किसी बात पर सबसे बड़ा दुख होता है आज, तो मसीही लोगों के अंदर अविश्वास को देखकर उसे सबसे ज्यादा दुख होता है। यहां पर चेले लोगों के साथ प्रभु है। आज आप और मैं मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ये लोग तो प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से देख सकते हैं, प्रभु ठीक यहीं पर है, क्यों डरना, प्रभु यहीं पे है। लेकिन ये लोग प्रभु को उल्टा, प्रभु को डांटने लगे, प्रभु को हिला हिला के उठाया और कहा, प्रभु तुझे चिंता नहीं कि हम डूबे जाते हैं? और मसीही लोग कभी कभी आप और मैं ऐसा करते हैं, हमारे अविश्वास के कारण प्रभु हमको डांटे ये उचित है, लेकिन कभी कभी हम अपने अविश्वास के कारण
हमारे अंदर विश्वास नहीं तो हम प्रभु को डांटने लगते हैं, हम प्रभु को कोसने लगते हैं, हम उस वो हमारी जिंदगी में है, हमारे साथ है कि नहीं, हम शक करने लगते हैं, हम प्रभु की भलाई पर हम डाउट करने लगते हैं। जीवन भर मसीही जीवन जब से हमारा शुरू हुआ है, जीवन भर से मसीही जीवन में इतने सालों से उसकी भलाई को हम रोज चखते आ रहे हैं, उसकी भलाई का फायदा उठाते आ रहे हैं, और आज जब तूफान आया तब हम यीशु मसीह पर शक करने लगे। यहां पर वही हो रहा है और चेले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु ने कहा, आइए मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, बहुत सुंदर वचन है, मत्ती 10 उसके 29 में से यह वचन मैंने लिया है। यह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, मत्ती उसके 10 और उसके 29 में ऐसा लिखा है, क्या एक पैसों में दो गुरैये नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक की भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत, तुम बहुत सी गुरैयों मतलब पंछियों से कहीं अधिक मूल्यवान हो। कितनी बड़ी बात प्रभु यहां पे कहता है, ये वचन में ही इतनी ताकत है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं आज, ये वचन सुनने से ही आपका विश्वास बढ़ जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर आप लोगों का और मेरा भरोसा बढ़ जाना चाहिए। प्रभु ने कहा कि तुम एक पैसे से, उस जमाने की बात है, एक पैसे से तुम दो पंछी खरीद सकते हो ना, तो भी प्रभु की आज्ञा के बिना, प्रभु के जाने बिना उन दो पंछियों में से कोई भी पंछी बिना उसकी आज्ञा के मर के जमीन पर नहीं गिर सकता। तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं और तुम, प्रभु कहता है, तुम इस पंछियों से अधिक मूल्यवान हो। और आप और मैं अपने जीवन के दुखों में प्रभु पर शक करते हैं, उसकी भलाई को नकार देते हैं, उसके नाम की महिमा का तिरस्कार करते हैं। जब हम अपने जीवन में शक करते हैं और हम चिंता करने लगते हैं कि हमारे तूफानों में प्रभु कहां गया, हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, हम तो बपतिस्मा ले लिए थे, हम तो चर्च आते थे, हम तो दशमांश देते थे, हम तो सेवा करते थे, लेकिन अब जीवन में तूफान क्यों आने लगे, क्योंकि हमने सीखा नहीं कि जीवन के, मसीही जीवन के अंदर भी तूफानों का आना तय है, मसीही जीवन के अंदर भी तूफानों का आना तय है, और हम उन तूफानों में प्रभु की भलाई, प्रभु की उपस्थिति का हम अपमान करते हैं और हम विश्वास करने को हम तैयार नहीं होते, जैसे यहां पर चेलों ने किया। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह को क्या उस समय अपने चेलों पर डर गुस्सा नहीं आया होगा? प्रभु यीशु मसीह चाहते तो सबसे पहले जब चेलों ने जब यीशु मसीह को हिला हिला कर डांट डांट कर उठा दिया कि तुझे हमारी चिंता नहीं है, आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या यीशु मसीह को उनको डांटना नहीं चाहिए था? लेकिन सबसे पहले उठने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया, लिखा है, तब जगाए जाने पर उसने आंधी को डांटा और झील से कहा शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो गया, आंधी थम गई। प्रभु यीशु मसीह का हमारे प्रति जो पेशेंस है, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासियों के प्रति जो धीरज है, उसकी सीमा देखिए। प्रभु उनके साथ है, प्रभु उनको साथ ले लेकर गली गली शहर शहर जा रहा है, चमत्कार कर रहा है, अपनी महिमा दिखा रहा है, और यही चेले हैं जो अब अपने ऊपर जब समस्या आन पड़ी तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं, उल्टा प्रभु को डांटने लगे। और प्रभु को उठ करके पहले उनको डांटना चाहिए था, लेकिन नहीं, प्रभु दया से भरा हुआ है, प्रभु हमारे साथ धीरज रखता है, और प्रभु ने सबसे पहले उनकी जो समस्या थी, उनकी समस्या क्या थी, तूफान, प्रभु ने उस तूफान का ध्यान रखा और प्रभु ने तूफान को थाम दिया, प्रभु ने आंधी को शांत कर दिया और सब कुछ, पूरी झील शांत हो गई, तूफान खत्म हो गया, आंधी खत्म हो गई। हमारी जिंदगी में हम जब प्रभु पर अविश्वास करते हैं, हम जब प्रभु पर हम विश्वास नहीं करते, हम जब प्रभु के ऊपर अपना भरोसा नहीं रखते, तब भी प्रभु हमें हमारी समस्या से छुड़ाता है, और ये उसकी भलाई, उसकी करुणा है। और हमारे अविश्वासी लोगों के प्रति, जो विश्वासी होकर विश्वास नहीं करते, जो मसीही कहलाकर जो विश्वास नहीं करते, वो हमारे साथ धीरज रखता है और हमारी समस्याओं का वो ध्यान कर लेता है और हमारी समस्याओं को शांत कर देता है। इतना भला, इतना प्रेम करने वाला, इतना धीरज रखने वाला ये प्रभु हमारा मसीह है। लेकिन उसके बाद प्रभु ने उनकी खैर ली, उसके बाद प्रभु ने उनकी क्लास ली है। क्या लिखा है 40 में, उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो, ये कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? और अब जब प्रभु ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया, अब प्रभु उनसे बात कर रहा है
इधर आओ मेरे सामने और मुझे बताओ, मैं तुम्हारी नाव में खुद सवार हूं और तुम मेरे साथ इतने समय से, तुम मेरे साथ गली गली जाकर तुम खुद चमत्कारों को देखते आए हो, यह कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं? मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की डांट हमारे विश्वास के प्रति है। आज प्रभु आपको और मुझे डांटता है जब हम अपने जीवन के तूफानों में उसकी उपस्थिति के ऊपर हम जब शक कर रहे हैं। प्रभु हमारे तूफानों में, हमारे जिंदगी की समस्याओं में हमारे साथ है कि नहीं, जब हम उस पर शक करते हैं, प्रभु हमें डांट लगाता है। प्रभु हमसे पूछता है, कहां है तेरा विश्वास? तुम डरपोक हो। तभी तो तुम्हें मेरे राज्य की चिंता नहीं, तभी तो तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि आओ हम झील के उस पार चले और आओ हम परमेश्वर के राज्य को फैलाएं, आओ हम परमेश्वर के राज्य की बातें करें, आओ हम परमेश्वर के राज्य के काम करें, आओ हम सुसमाचार प्रचार करें, आओ हम जा जाकर जाति जाति के लोगों को बताएं कि यीशु मसीह मसीहा है। आज आप और मैं क्यों उन कामों के अंदर इंटरेस्टेड और रुचि नहीं रखते? क्योंकि हम अपनी ही समस्याओं में इतने उदास रहते हैं कि हमें दूसरों का दुख नजर नहीं आता। हम अपने जीवन के तूफानों को लेकर के इतने दुखी हो जाते हैं, अपने जीवन के तूफानों में इतने व्यथित और इतने दुखी होकर रहने लगते हैं कि परमेश्वर के राज्य की हमको चिंता नहीं। और प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे भी हमारे अविश्वास को लेकर के हमें डांट सकता है। जब आंधी आई, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को डांटा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उठ करके आंधी को शांत किया। सबसे पहले से हम यही सीखते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन के तूफानों को शांत कर सकता है। यीशु मसीह हमारे जीवन के तूफानों को शांत कर सकता है। लेकिन शांत करने के बाद जब प्रभु ने उनसे बातचीत करी, तो प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? इसलिए अगली शिक्षा देकर मैं समाप्त करूंगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, अगली शिक्षा यही है, समस्या हमारे जीवन के तूफान नहीं, हमारे विश्वास की कमी है। समस्या हमारे जीवन के तूफान नहीं, हमारे विश्वास की कमी है। जब उसने उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो, तुम इतने डरपोक क्यों हो, तुम्हारा विश्वास कहां है? और 41 में लिखा है कि और वे अत्यंत भयभीत हुए और आपस में कहने लगे, आखिर ये कौन है कि आंधी और लहरें भी इसकी आज्ञा मानती हैं? उन सब लोगों का जो ध्यान है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह उनको डांट रहे हैं अविश्वास को लेकर, लेकिन वो अभी भी अचंभे में पड़े हैं, ये कैसा व्यक्ति है? क्योंकि अभी तक उनकी आंखें खुली नहीं है, अभी तक वो यीशु मसीह है, वो बचाने वाला उद्धार करता है करके उनको अभी तक समझ में नहीं आया है। चेले प्रभु के साथ हैं लेकिन प्रभु को पहचाने नहीं है। और कभी कभी हमारे मसीही जीवन में ऐसा होता है, प्रभु के साथ बहुत साल चलने के बाद भी हम प्रभु को पहचान नहीं पाते। और इसलिए यहां पर चेले लोग हैं, यीशु मसीह उनको विश्वास को लेकर डांट लगा रहा है, लेकिन फिलहाल तो वो इतने हैरान ही खड़े हैं कि ये कौन है, क्योंकि हमने इस आदमी को मनुष्यों पर चमत्कार करते हुए देखा है, लेकिन पहली बार इस मनुष्य को प्रकृति पर, पूरे हवा पे, पानी पे, पहाड़ों पे इसका अधिकार है, पहली बार देखा है। झेल नहीं पा रहे हैं इसकी महिमा, देख नहीं पा रहे हैं इसकी महिमा। कौन है जो आंधियों से बात करता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह बात करता है जो आंधियों को थमा सकता है। और ये लोग यहां पे हैरान हैं कि आंधी और तूफान इसकी आज्ञा मानते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आंधी तूफान यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, ये सूरज चांद सितारे प्रभु की आज्ञा मानते हैं। क्या आप प्रभु की आज्ञा मानने वाले हैं? क्या आप उसके विश्वास करने वाले हैं? आज आपकी जिंदगी में बहुत तूफान होंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई तूफान नहीं है, हम मान रहे हैं कि आपकी और मेरी जिंदगी में तूफान है, जिंदगी कठिनाइयों से भरी है, लेकिन उन तूफानों में क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारा मसीह हमारे साथ है? उन तूफानों में क्या हम विश्वास करते हैं कि ये मसीह जिसके पीछे मैं चलने लगा हूं, ये मसीह जिसका मैं अनुसरण करने लगा हूं, ये मसीह अगर मेरे तूफान में मेरे साथ है तो मेरी नाव के अंदर पानी आ भी जाएगा तो भी मेरी नाव को नहीं डूबने देगा? आज ये विश्वास आपको और मुझे करना है। इस कहानी से आज हमने चार शिक्षाओं को हमने पाया है। पहली शिक्षा, जिंदगी के तूफान इस जीवन की दुखद सच्चाई है। जिंदगी के तूफान इस जीवन की एक दुखद सच्चाई है। दूसरी बात को हमने देखा है, हम अपने जीवन के तूफानों में परमेश्वर की उपस्थिति और भलाई और सामर्थ को
भूल जाते हैं। हम अपने जीवन के तूफानों में परमेश्वर की उपस्थिति, भलाई और सामर्थ को भूल जाते हैं। तीसरा, यीशु हमारे जीवन के सब तूफानों को थमा सकता है। और चौथी बात, समस्या हमारे जीवन के तूफान नहीं, हमारे विश्वास की कमी है। समस्या हमारे जीवन के तूफान नहीं, हमारे विश्वास की कमी है। प्रभु हम सबको विश्वास करने वाला दिल दे। प्रभु हमें ऐसा बनाए, पवित्र आत्मा हमें ऐसा बनाए कि हम अपने तूफानों में प्रभु पर पूरा भरोसा बनाए रखें। वो हमें डूबने नहीं देगा, वो हमें नष्ट नहीं होने देगा। वो तो हमारा बचाने वाला है, वो तो हमारा उद्धार करता है, जो हमसे बहुत प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस वचन से हमने चेलों को नहीं अपने आप को पहचाना है, अपने आप को जान लिया है कि प्रभु हम अक्सर आपके पीछे केवल आपकी आशीषों के लिए चलते हैं, लेकिन आप कहते हैं मेरे पीछे आओ, हम झील के उस पार चलें, हम दूसरों को सुसमाचार के बारे में बताएं। प्रभु होने दे कि हम आपका अनुसरण करें, ना केवल अपनी आशीषों के लिए, लेकिन आपकी लोगों की सेवा करने के लिए हम आपका अनुसरण करें। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ा। अपने जीवन के तूफानों में हम आपकी भलाई और आपकी सामर्थ को कभी ना भूलें, हमारी मदद कर। सुनने वालों का, आज के इस प्रवचन के सुनने वालों का विश्वास बढ़ा, उनकी जिंदगी में आत्मिक आनंद दे। प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें तुझ पर पूरा भरोसा करने के योग्य बनाए। प्रभु तूने अपनी जिंदगी हमारे लिए दी, तूने क्रूस पर अपना लहू हमारे लिए बहाया, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है और तू कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला प्रभु है। प्रभु होने दे कि हम अपने जीवन के तूफानों में तेरा अनुसरण करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अभी हम प्रभु भोज में भाग लेने जा रहे हैं और ये बहुत पवित्र, बहुत ही गहरा अर्थ रखने वाली एक विधि है। मैं चाहूँगा कि आप सब इसमें बड़े अदब के साथ भाग लें। ये सबसे उचित तो नहीं है कि हम अपने अपने घरों में अलग अलग बैठकर प्रभु भोज लें, क्योंकि प्रभु भोज का मतलब ही है एक साथ होके उसमें भाग लेना, तो ये उत्तम तो नहीं है। लेकिन इस परिस्थिति में ये हमारे लिए एक ही उपाय है कि हम अपने अपने घरों में आत्मा में एक होकर हम इसको ले सकें। हालांकि हम शारीरिक रूप से एक नहीं है, इसलिए आप सब अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना के साथ इस विधि में हम भाग लेंगे। और जैसे हम इस विधि में भाग लेने के लिए इस समय परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए हैं, हम सब अपने पापों को अंगीकार करें। अपने मन में बीते दिनों हमने जिस रीति से पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से हम फिर से रहित हुए हैं, हम सब अपने अपने मनों में अपने पापों को, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को माने और प्रभु यीशु से माफी मांगे, जो माफी देने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमपिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आनंद के साथ आपके सामने आते हैं। आपने धरती और आसमान को बनाया है और आपने हमें अपने स्वरूप में सृजा है और आपने अपनी रचना के साथ, अपने लोगों के साथ अपनी वाचा को बना के रखा है, तब भी जब हम पाप में गिर जाते हैं। हम आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारा प्रभु और हमारा मसीह है, धन्यवाद देते हैं, जिसने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया। इसलिए हम अपनी आवाजों को एक साथ उठाते हैं और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं। पवित्र, 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 सेनाओं का यहोवा, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रभु हम इस मेज में भाग लेने के द्वारा जो हमें आशा मिलती है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
विजयी राजा के रूप में वापस आएगा और सारे मुर्दे जीवित किए जाएंगे और हर प्रकार के लोग उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उनका न्याय होगा। प्रभु, हम निडर होकर उस दिन का सामना कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे न्यायी हैं, लेकिन आप हमारे बचाने वाले भी हैं और आपने हमें अपने पुत्र के मृत्यु के द्वारा बचा लिया है। हे परमेश्वर, होने दे कि हम अपने जीवन के सारे दिन उस दिन का इंतजार करें जब यीशु आएगा, संसार का न्याय करेगा और हम चुने हुए लोगों को तेरे सामने पवित्र घोषित करेगा और प्रस्तुत करेगा। प्रभु, इस मेज में भाग लेने के लिए उचित रूप से हमारे मन तेरे सामने समर्पित हों। हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम बार भोजन लिया तो उन्होंने रोटी ली और उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने रोटी को तोड़ते हुए अपने चेलों को देते हुए कहा। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए अर्पित किया जाएगा, मेरी याद में ऐसा किया करो। इसी प्रकार भोजन के बाद उसने दाखरस से भरा हुआ प्याला भी लिया और धन्यवाद देकर चेलों को देते हुए कहा, ये मेरे लहू का प्याला है जिसके द्वारा मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा को बांधता हूँ। ये लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। आप सब इस रोटी को लें और आप इस रोटी में से लेकर आप खा सकते हैं और खाते हुए याद रखें प्रभु यीशु के शरीर के बलिदान के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए हैं। अभी आप सब ये प्याला लेकर पी सकते हैं और जब आप इसको पीते हैं तो आप याद रखें कि यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आइए हम प्रार्थनाओं में अपना सर झुकाएं। अनादिकाल से अनंत काल तक शासन करने वाले, स्वर्ग में रहने वाले हमारे पिता, आपने अति अनुग्रह के साथ अपने पुत्र के द्वारा हमें ग्रहण किया है और अपने राज्य का और अपने घर का सदस्य बनाया है। प्रभु, आपने हमें आत्मिक भोजन दिया है, आपने हमें स्वयं स्वर्ग का मन्ना दिया है जो कि यीशु मसीह है। प्रभु, इस रोटी और इस प्रभु जूस को पीने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम इस बात को मानते हैं। परमेश्वर, हे पिता, होने दे कि हम प्रभु आपके विश्वास में और मजबूत होते जाएं। हम अपने जीवन के तूफानों में प्रभु आपके नाम को हमेशा याद रखें, आपकी सामर्थ और आपकी हस्ती, आपकी पहचान को याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर हैं। पिता, होने दे कि हमारा विश्वास बढ़े और हम आपके और करीब आ जाएं। प्रभु, होने दे कि हमारा धरती पर जो जीवन है इसके बाकी के सारे दिन हम आपको प्रेम करें, आपकी सेवा करें और आपके लोगों को प्रेम करें और आपके लोगों की सेवा करें और विश्वास में बढ़ते जाएं और अपने जीवन के भले और भक्तिपूर्ण आचरण के साथ तेरी महिमा करते रहें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम प्रभु की आशीष प्राप्त करें।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।